और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून के रिसर्च स्कॉलर रायल खान जी, जो कि गंगा की सफाई अभियान, गंगा को लेकर कैसे पर्यावरण सुरक्षित रहे उस पर रिसर्च कर रहे हैं, वो हमें जानकारी देंगे। एक्चुअली जो मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग का जो काम चल रहा है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड गंगा रिजुवेनेशन, ये एक प्रोजेक्ट है जो नमामि गंगे ने हम लोगों को दिया है, उसमें बायोडाइवर्सिटी को बंदर करने का प्लान कर रहे हैं। तो उस चीज़ में हम लोग के पांच कंपोनेंट है, तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा। पहला कंपोनेंट हमारा है गंगा की एक्वालैको कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, जो हम लोग का दुबई में लैब बेस काम होता है। दूसरा कंपोनेंट है रिस्टोरेशन ऑफ गंगा रिवर, तो उसमें हम लोग की जो टीम है वो से लेकर गंगा सागर तक सर्वे करती है, और उसमें जो भी बायोडाइवर्सिटी है लाइक डॉल्फिन हो गया, ऑटर्स हो गए, और टर्टल की 13 स्पीशीज़ हैं, ठीक है, तो उनको हम मॉनिटरिंग करते हैं, देखते हैं कि उनका नंबर कहाँ पर रिच है और कहाँ पर कम है। फिर आते हैं हम कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसमें हम लोग के साथ कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ हम लोग कॉन्फ्रेंसेज वर्कशॉप करते हैं और उनको जो नॉलेज हम लोग दे सकते हैं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड वो देते हैं। उसके बाद बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, हम लोग के जो है वो टू सेंटर है, एक तो हम लोग का वाराणसी में सारनाथ में है रेस्क्यू सेंटर, जिसमें हम लोग को जो इंजर्ड टर्टल्स हमें मिलते हैं वो हम लोग अपने टर्टल सेंटर पर लेके आते हैं और उनको ट्रीटमेंट देके और उसके बाद में फाइनली हम लोग गंगा रिवर में रिलीज कर देते हैं। तो बात करते हैं फिफ्थ कंपोनेंट की, जो फिफ्थ कंपोनेंट है हमारा कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन, कैसे करके हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके कंजर्वेशन कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, अगर वो लोग हमसे नहीं जुड़ेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोगों ने गंगा प्रहरी बनाए, जो गंगा प्रहरी है वो पांचों स्टेट में हम लोग के काम कर रहे हैं, लाइक वो अवेयरनेस का काम हो या क्लीनलीनेस का काम हो या प्लांटेशन का काम हो, वो सेल्फ मोटिवेटेड कैडर्स हैं, उन्हें नाम दिया है गंगा प्रहरी, सेवियर ऑफ गंगा, ठीक है, गार्जियंस ऑफ गंगा। उसके बाद हम सिक्स कंपोनेंट की बात करते हैं नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर, जो हम लोगों ने एक वाराणसी में हम लोग का बजरा है एक बोर्ड, तो उसमें हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन एक्सपीडिशन टाइप का लगाया है, उसमें लोग आते हैं देखते हैं कि कितनी इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। उसके बाद वाराणसी में हमने जलज की भी पहल की है, एक जलज है, ठीक है, इसमें जो प्रोडक्ट है वो गंगा प्रहरी ही प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके बाद उन प्रोडक्ट को हम लोग सेल भी करते हैं, क्योंकि जो लोकल वॉलेंटियर्स हैं उनको अल्टरनेटिव लाइवलीहुड देने के लिए हम लोगों ने ये जलज की पहल की है। उसके बाद हम लोग का लाइवलीहुड सेंटर भी चल रहा है, जैसे लाइक महिलाओं के लिए हम लोगों ने सिलाई सेंटर, ठीक है, कुछ लड्डू बनाने का, बहुत से ऐसे अल्टरनेटिव काम उनको दिए हैं, और जो गंगा प्रहरी हमारे काम कर रहे हैं वो भी ये सारी चीज़ें पार्टिसिपेशन उनका हो रहा है लगातार। शुक्रिया, ठीक है, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें।